अनलॉक में हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर खुलने के बाद पर्यटकों की मनमानी जारी है। सोलन पुलिस रोजाना दर्जनों पर्यटकों को कानून का पाठ पढ़ाती है, लेकिन पर्यटक फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले पर्यटक पुलिस के हाथ देने पर भी गाड़ी को और आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगले नाके पर पुलिस उन्हें फिर से पकड़ने में कामयाब हो रही है। ऐसा ही मामला सोलन में पेश आया, जब एक यूपी नंबर की गाड़ी नियमों के विरुद्ध काले शीशे लगाकर कुमारहट्टी पहुंची, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालक कार भगाकर शिमला की तरफ ले गया। तभी सोलन में पुलिस ने इस गाड़ी को रोककर नियमों के अनुसार इस गाड़ी का चालान काटा। पर्यटक बाहरी राज्यों से ऐसे हिमाचल में प्रवेश करें मानो किसी कैद खाने से छूटकर बाहर आए हों। ट्रैफिक इंचार्ज नारायण सिंह ने बताया कि दिल्ली में निर्भया दुष्कर्म के बाद से कानून बना रखा था कि गाड़ी में काले शीशे नहीं लगा सकते। यूपी नंबर की एक गाड़ी काले शीशे लगाकर हिमाचल में पहुंच गई थी, उसे ट्रैफिक कर्मी के रुकने से वह गाड़ी नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार इस गाड़ी का चालान काटा गया और काले शीशे भी उतारे गए। ब्लैक ग्लासेस अलाउड नहीं है। जब से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट की के आदेश है कि भाई जो गाड़ी के शीशे है ये विजुअल होने चाहिए। ये यूपी नंबर की 14EK0005 स्कॉर्पियो है। ये कुमारहट्टी चौक पे ट्रैफिक कांस्टेबल ने रुकने का इशारा किया क्योंकि इसके ब्लैक ग्लासेस थे, लेकिन ये नहीं रुका। फिर आगे स्पाटू बाइप्रिकेशन में रोकने की कोशिश की इसको, लेकिन वहाँ भी ये नहीं रुका। तो ये ऊपर आके फ्रूट मार्केट में रोका गया तो इसका जो है डिसोबे का और ब्लैक ग्लासेस का चालान किया गया क्योंकि इसने ट्रैफिक रूल की वायलेशन की। सोलन से PLTV के लिए अमरत प्रीत सिंह की रिपोर्ट।